हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भाई यकीन नहीं होगा, एक गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर इतने सारे फीचर्स। मैं हूँ निसान के शोरूम में और मेरे सामने है आज निसान मेगनाइट। भाई निसान मेगनाइट को अगर मैं बात करूँ, एक निसान कंपनी है जो कि जैपनीज फर्म है, जैपनीज इंजीनियरिंग प्लस साथ ही साथ इंडियन रोड के हिसाब से बनी हुई एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसको पिछले साल ही टॉप गियर मैगजीन ने कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। आज हम इसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के बेस वेरिएंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई बेस वेरिएंट ना, ये नाम का बेस वेरिएंट है, यकीन मानना, ये बेस वेरिएंट ना नाम का बेस वेरिएंट है। और इस वेरिएंट के अंदर मात्र 38,000 रुपीस अगर आपने और एड ऑन किए तो भाई पूरे टॉप वेरिएंट जैसे फीचर्स इसमें सब मिल जाएंगे। तो बेसिक कॉस्मेटिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं, उसके साथ में ये इनबिल्ट आ रही है, एसेसरीज और एड ऑन करने पे ये गाड़ी और भी ज़्यादा मोर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाएगी। तो भाई चलो आज एक बार निसान मैगनाइट के XE वेरियंट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं भाई क्या मशीन है ये, किस तरीके से गाड़ी के अंदर एसेसरीज लगी हुई हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लस आपके टाइम सेविंग के लिए मैंने बेटर क्या किया है कि चैप्टर्स को ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं, आपको यहां पे वीडियोस में चैप्टर्स नज़र आ रही हैं, तो जो भी चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप सीधा डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव, आपको नॉलेज गेन होगी। साथ ही साथ निसान मेगनाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं विथ एसेसरीज, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निसान मेगनाइट XE वेरियंट की देखते हैं, तो कुछ ये की गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो हमें दो चाबी मिलेंगी, सो नॉर्मल की हैं अगर हम इसकी बात करें, कुछ ऐसा हमें XE वेरिएंट में की मिलेगी। साथ ही साथ आप सेंटर लॉकिंग एसेसरीज में लगवा सकते हो, तो अप्रॉक्स 5,000 रुपी की एसेसरी रहेगी ये। तो जो भी लिंक है, जो भी नंबर है कॉन्टेक्ट पर्सन का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फर्दर डिटेल के लिए आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अब एक बार गाड़ी पर नज़र मारते हैं। भाई ये है निसान मेगनाइट XE वेरिएंट, ये देखिए भाई। एक चीज़ आपको और बताऊं, निसान मेगनाइट ना 4 स्टार ग्लोबल एनकैप के अंदर आई है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये गाड़ी है। इसका मतलब जानते हो क्या है, जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है ना, क्रैश टेस्ट, वो गाड़ियों के बेस वेरिएंट से करता है। तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हमें निसान मेगनाइट में बेस वेरियंट से देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेट यार वैल्यू फॉर मनी ये मशीन है। आगे देखते हैं क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्या वैल्यू ये एड ऑन कर रही है। और जैसा कि मैंने एसेसरीज़ के बारे में बात करी थी, तो भाई ये एसेसरीज़ हैं जो इस व्हीकल में पहले से डीलरशिप ने यहाँ पे लगा रखी हैं। तो एक एक करके सारी एसेसरीज़ के बारे में भी बात करेंगे। भाई मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले गाड़ी के इंजन की बात करूँ, तो भाई ये निसान मेगनाइट का XE वेरियंट है, जिसकी अगर इंजन स्पेसिफिकेशन को हम देखें तो इसके अंदर 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पावर जनरेट कर रहा है 72 PSP, साथ ही साथ टॉर्क जनरेट कर रहा है 96 न्यूटन का। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, तो अल्टीमेट मशीन है। 1000 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन गाड़ी में हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई ये है गाड़ी। अभी इसमें मैं ना टोटल बात करते हैं कि एक्चुअल में प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले जो भाई आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट में, सबसे पहले ये कुछ ऐसा है फ्रंट। यहाँ पे हमें एक इम्पोज्ड बेज मिल रहा है निसान का, देखिए भाई लुक को बहुत एनहेंस बना रहा है। साथ ही साथ इसकी ग्रिल्स देखिए भाई, ग्रिल्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत वाइड ग्रिल है। और इसके यहाँ पे सेंटर में अगर यहाँ इस तरीके से अगर इसकी फिनिशिंग देखें ना, तो मतलब बहुत एग्रेसिव ये कॉम्पैक्ट एसयूवी लुक के हिसाब से है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाड़ी में हमें ड्यूल टोन बम्पर देखने को मिल रहा है। अपर पार्ट इसका वाइट कलर में है, लोअर पार्ट हमें मैट फिनिशिंग में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैंप्स की, तो भाई लाइट हमें हेलोजन लैंप देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में
इनसाइड टर्न इंडिकेटर आ रहे हैं, ये भी हेलोजन बल्ब के साथ में आ रहे हैं, और एक अच्छा क्रोम एसेंट हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रहा है। ये हुआ फ्रंट का। अभी इसी के साथ एक बार साइड में चलते हैं और साइड में कार को एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले साइड में देखूं, आपकी नज़र यहाँ पर वील आर्च पे जाती है, तो भाई ये देखिए भाई, वील आर्च हमें कुछ स्क्वायर शेप में, ये हमें वील आर्च देखने को मिल रहे हैं स्क्वायर शेप में, मैट फिनिशिंग के साथ वील आर्च है। और टायर की अगर मैं बात करूँ, ये हमें R16 का नॉर्मल स्टील व्हील देखने को मिल रहा है। तो भाई ये इसमें व्हील कवर एसेसरीज़ का पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे क्या क्या एसेसरीज़ हैं। अब गाड़ी में हमें साइड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के साथ में निसान मेगनाइट की हमें बेजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस ए पिलर की अगर मैं बात करूँ, तो भाई ये देखिए, ये कुछ मैट फिनिशिंग में हमें गाड़ी का ए पिलर देखने को मिलेगा। ORVM की अगर मैं बात करूँ, तो मैट फिनिशिंग में ORVM हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब एक बार पूरा का पूरा गाड़ी को साइड से देखते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो गाड़ी को साइड से, इसके अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ, तो 2500 mm का गाड़ी में हमें व्हील बेस देखने को मिल रहा है। भाई व्हील बेस से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि सेकेंड रो पे बहुत ही अच्छा लेग रूम हमें देखने को मिलेगा, प्लस अंदर जो भी पैसेंजर्स होंगे ना, कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट SUV कार है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार गाड़ी में फ्यूल टैंक की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो भाई 40 लीटर का हमें फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, ये है गाड़ी में रूफ रेल। भाई रूफ रेल ना, इंटीग्रेटेड रूफ रेल है। आप यहाँ पे ये देखिए, कुछ इस तरीके से ना यहाँ पे हिंज दे रखे हैं, तो इस रूफ रेल पे ना, ये देखिए भाई, इस रूफ रेल पे आप 50 kg तक का वेट को उठा सकते हैं। तो लगेज कैरियर इसमें एज एन एसेसरी पार्ट लगेगा, 50 kg तक का आप इसमें वेट उठा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रूफ रेल्स हैं। साइड में अगर मैं बी पिलर की बात करूं, तो भाई ये मैट फिनिशिंग में बी पिलर हमें देखने को मिल रहा है, लुक को बहुत ही अल्टीमेट एनहेंसमेंट दे रहा है। इसी के साथ में आप विंडोज़ देखो, सेकंड रो का जो विंडो है ना, कितना ब्रॉड है, ये आप देख रहे हो सेकंड रो में कितना ब्रॉड हमें यहाँ पे विंडो दे रखा है। साथ ही साथ ये यहाँ पर डोर हैंडल्स हैं, सो डोर हैंडल हमें बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्लासिक प्रीमियम डोर हैंडल हमें गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। नीचे की साइड में अगर मैं बात करूं, तो भाई नीचे के साइड में अगर ये देखिए आप रनिंग बोर्ड ना, तो काफ़ी अच्छा मैट फिनिशिंग में रनिंग बोर्ड है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है, कुछ भी मिसलेनियस स्क्रैचेस इसमें नहीं लगेंगे। साथ ही साथ ये व्हील आर्च का एडवांटेज है, आप ये देखिए भाई कितना बेहतरीन इसमें व्हील आर्च है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। साथ ही साथ रियर क्वार्टर पैनल, ये क्वार्टर पैनल पर भी व्हील आर्च होते हुए जा रहा है, प्लस बम्पर पे भी जा रहा है, प्लस रियर डोर पे भी ये व्हील आर्च यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक बार रियर में चलते हैं और रियर में गाड़ी को एक्सप्लोर करो। ये यहाँ पे रियर में है कुछ इसके टेल लैंप्स। सो टेल लैंप्स LED तो नहीं है, लेकिन यस ये हेलोजन बल्ब हैं। ये देखिए भाई, इसका जो लुक आ रहा है ना, मतलब अगर मैं पहली नज़र में देखूँगा, तो बहुत मुश्किल है इसको ये जज कर पाना कि ये LED है या हेलोजन है। बट आप इसे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे हेलोजन बल्ब नज़र आ रहे हैं, राइट। तो गाड़ी के अंदर हेलोजन लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसी के साथ में ये स्प्लिट टेल लैंप्स हैं। तो स्प्लिट टेल लैंप्स की बात करें, तो यहाँ पे क्वार्टर पैनल पे एक साइड है टेल लैंप की, प्लस डिग्गी डोर पे हमें दूसरी साइड टेल लैंप की देखने को मिल रही है। ये देखिए निसान का बेजिंग प्लस मैग्नाइट, बहुत ही इम्पोज्ड उससे लिखा हुआ है, तो भाई काफ़ी अच्छा और एट्रैक्टिव इसे बना रहा है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नीचे जो लोअर का साइड है बम्पर का, ये ब्लैक फिनिशिंग में है। तो ये पार्ट मेरा एसेसरीज का पार्ट है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये कुछ है स्पॉइलर, आप देखिए भाई, हमें यहाँ पे फैक्ट्री फिटेड बेस वेरिएंट से स्पॉइलर देखने को मिल रहा है। तो भाई ये है गाड़ी में स्पॉइलर, कितना अच्छा कितना स्लीक है। आप इसका बॉडी करेक्टर देखिए कुछ इस तरीके से, आपको फ़र्क दिख रहा होगा, और गाड़ियों से थोड़ा सा अलग है इसका स्पॉइलर,
लेकिन यार नो डाउट बहुत अल्टीमेट इसका स्पॉइलर है, जिस हिसाब से रूफ पे कैरेक्टर लाइन आ रही है ना, वहाँ से होती हुई सीधा यहाँ पर आ रही है भाई। गाड़ी का एरोडायनामिक अल्टीमेट एरोडायनामिक है इस कार का, और ये यहाँ पे फैक्ट्री फिटेड हमें एंटीना हमें देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हमें देखने को गाड़ी में मिलते हैं। वेरिएंट में ना हमें यहाँ पे रियर वाइपर, रियर डिफॉगर भी देखने को मिल रहा है, तो ये है एक्सी वेरिएंट में रियर साइड में आप देख सकते हो। तो अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को देखते हैं कि भाई गाड़ी क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। तो अभी सबसे पहले भाई ये देखिए, बेस वेरिएंट की बात हुई थी, निसान मेगनाइट बेस वेरिएंट ये गाड़ी है, आप देख रहे हो भाई ऑल डोर्स पे हमें पावर विंडोज़ देखने को मिल रही हैं, प्लस आप फिनिशिंग देखिए भाई, ये सैटिन क्रोम मेरे को यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिख रहा है, बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी। आप इसका फैब्रिक देखिए, यहाँ पर अगर आप इसे टच एंड फील करेंगे ना, मतलब बहुत सॉफ्ट टच है, साथ ही साथ काफ़ी हार्ड इसका पैनल है प्लास्टिक का, जो कि ऑफकोर्स होना चाहिए। ये हमें कुछ इस तरीके से हमें डोर देखने को मिल रहा है। इसी में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले नज़र जाती है बॉटल होल्डर की, तो बॉटल होल्डर मैप पॉकेट एक अच्छा अमाउंट है, कैविटी अच्छी दे रखी है, प्लस यहाँ पे फ्रंट स्पीकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ओआरवीएम अगर हम देखें ना, ये देखिए भाई ओआरवीएम, तो जैसा कि बात करी हमने, बेस वेरिएंट है हमारी गाड़ी का ये, तो ओआरवीएम कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। अंदर से यार इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यार ये प्रैक्टिकल है, मतलब अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, 90% टाइम आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, बहुत इजीली इसे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें, सीट्स हमें कुछ फैब्रिक की सीट्स मिल रही हैं, ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ सीट्स हैं, प्लस ये गाड़ी मैन्युअली एडजस्टेबल, हमें मैन्युअली एडजस्टेबल फोर वे एडजस्टेबल सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं, प्लस इसका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखिए भाई, निसान के बेज के साथ में स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, साथ ही साथ सिल्वर फिनिशिंग हमें स्टीयरिंग व्हील पे देखने को मिल रही है। तो भाई कुछ इस तरीके से इसका रहेगा स्टीयरिंग व्हील। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो भाई आप ये देखिए, तो सबसे सही चीज़ जो मेरे को लग रही है ना, इसकी सीट भाई, सीट ना देख सकते हो आप यहाँ से कितनी पतली सीट्स हैं, बट बहुत कंफर्टेबल हैं, और बकेट सीट आ रही हैं। आप यहाँ देखिए नीचे की साइड में, अगर एक हेल्दी बंदा यहाँ पे बैठ रहा है ना, तो बकेट सीट होने से प्रॉपर वो फिट बैठ पा रहा है सीट के अंदर। तो ये बकेट सीट्स हैं, हमें हेडरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं गाड़ी के अंदर। प्लस अब एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट भी करके देखते हैं किस तरीके से कार का इंटीरियर है। तो भाई ये है निसान की चाबी, सीधा हमने बैरल में फिट करी, इसे ऑन किया, ये देखिए भाई। सो पहले यहाँ पे इंफोटेनमेंट ऑन हुआ, अब कुछ कार ऐसी हमें यहाँ देखने को मिल रही है अंदर से। अब मैं गाड़ी का सबसे पहले आपको DIS दिखाता हूँ, ये देखिए भाई। सो कार में DIS हमें देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा, तो डिजिटल MID स्क्रीन है ये, प्लस गाड़ी के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एसेसरी फिटमेंट है इंफोटेनमेंट, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे AC के वेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सिल्वर फिनिश वेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ सिल्वर फिनिश वेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके AC के, सबसे पहले कंट्रोल देखिए भाई, तो भाई ये AC के सिल्वर एसेंट्स के साथ में AC के कंट्रोल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस अप टू फोर स्पीड तक आप ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हो। रीसर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ करने का कुछ यहाँ पे स्विच दे रखा है इस तरीके से, प्लस ये पार्ट आप देखिए भाई, यहाँ से आप फर्दर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंग लैंप्स के लिए, टेल लैंप्स ओपन करने के लिए इसको दबा दीजिए, टेल लैंप्स ओपन हो जाएंगे, प्लस रियर डिफॉगर हमें देखने को मिल रहा है। ये है भाई 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है, प्लस एक अच्छा एम्पल अमाउंट का यहाँ कैविटी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये यहाँ पे फ़ोन के लिए है, तो आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, और दो कप होल्डर हैं भाई, बहुत अच्छा वाइड स्पेस है, मतलब आप देख रहे हो यार कितना अच्छा एम्पल स्पेस है। यहाँ पे सेकंड पे भी, इधर यहाँ पे सेकंड रो के लिए पैसेंजर के लिए स्पेस मिल रहा है। हैंड ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। इसका फिनिशिंग देखिए इंटीरियर का, ड्यूल टोन
इसका यहाँ पे डैशबोर्ड है गाड़ी का, ये देखिए भाई। तो कार कुछ इस तरीके से गाड़ी में इंटीरियर है। यहीं पे अगर मैं सनशेड्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक नॉर्मल सनशेड्स आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे को पैसेंजर पे मिरर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो IRVM है ये मैनुअली एडजस्टेबल है, दैट्स इट। एक यहाँ पे आप ये देखिए फिनिशिंग इसकी कुछ यहाँ पे ऐसे ड्यूल टोन में मिल रही है, तो अच्छा मैट फिनिशिंग हमें अंदर भी मिल रहा है, दैट्स इट। एक बार डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो गाड़ी का भाई डैशबोर्ड देखिए, अरे बहुत एम्पल स्पेस है यार, इतना ज़्यादा अच्छा स्पेस, आप स्पेस देख रहे हो यार, नो डाउट यार, बहुत अच्छा गाड़ी के अंदर मैग्नाइट में स्पेस है। सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो में एक बार एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड रो में अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ ऐसा हमें यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है। तो सेकंड रो का ये स्पेस है यहाँ पे अच्छा एक है, यहाँ पे कोट हैंगर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे लैम्प्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, हेडरेस्ट हमारे एडजस्टेबल हैं, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों तरफ देखने को मिल रही है, और सेंटर में हमें यहाँ पे 2 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल रही है। एक बार बूट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं बूट में क्या है। तो भाई बूट स्पेस एक बार देखते हैं और गाड़ी का एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए भाई, ये है निसान मैग्नाइट का बूट स्पेस। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं तो 336 लीटर का गाड़ी में हमें बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। तो भाई एक एम्पल अमाउंट का बूट स्पेस है, प्लस ये जो सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो ना फोल्ड भी हो सकती है। तो मान लो आपने इसे फोल्ड किया तो इसका बूट स्पेस बनेगा 690 लीटर। तो ये है गाड़ी में बूट स्पेस, एक अच्छा एम्पल अमाउंट का यहाँ बूट स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। प्लस आप यहाँ पे ये देखिए पार्शल ट्रे की कैविटी है, तो आप एसेसरी में पार्शल ट्रे भी ले सकते हो, तो जो भी आपका बूट में सामान होगा ना वो सामने सामने हमें दिखेगा नहीं, तो एक ये और सेफ्टी का पॉइंट एड ऑन हो जाएगा। प्लस कुछ इस तरीके से हमारा स्पेयर व्हील आएगा, तो स्पेयर व्हील हमारा 1 इंच छोटा आएगा। तो ये कुछ हमें स्पेयर व्हील मिल रहा है और रेड कलर का मिल रहा है, आप ये देख रहे हो हाइलाइटेड रेड कलर में मिल रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई इसका काम सिर्फ यही है, जब तक गाड़ी में पंचर हुआ है बस पंचर वाले की दुकान तक ही लेके जाना है, आजकल ये सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। प्लस कार में आप देखिए भाई फिट एंड फिनिश देखिए, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके लॉक पे ये आप देख रहे हो, ये लैंप्स ना नंबर प्लेट के लैंप्स हैं, बहुत स्मार्टली निसान ने, जैपनीज टेक्नोलॉजी है तो बहुत स्मार्टली जैपनीज टेक्नोलॉजी में निसान ने ये काम किया है। ये देखिए भाई डिग्गी ट्रे पे ही ना आपको यहाँ पे नंबर प्लेट्स के लैंप दे दिए हैं, तो कुछ इस तरीके से ये नीचे का पार्ट है, मैट फिनिशिंग में ये पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं एसेसरीज की, भाई एसेसरीज का पार्ट तो रह ही गया कि टोटल अगर मैं बात करूँ एसेसरीज की, यहाँ पे 37,000 अप्रॉक्स 38,000 तक के अंदर क्या क्या एसेसरीज हैं जो डीलरशिप में है, तो दिखाऊँ देखें एक बार। तो भाई ये सबसे पहले बोल्ट पैक हमें देखने को मिल रहा है, ये है 10,999 का बोल्ट पैक, में हमें यहाँ पे 10 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें व्हील कवर हैं, स्किड प्लेट हैं, फ्रंट एंड रियर की ब्रम्पर प्रोटेक्टर हैं। तो एक बार देखते हैं उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले व्हील कवर, भाई व्हील कवर एसेसरी का पार्ट ये देखिए भाई, स्टील व्हील आते हैं, व्हील कवर लगे होने से ना बहुत अच्छा लुक है और लुक को बहुत एनहेंसमेंट मिल रही है, नो डाउट भाई। व्हील कवर देखिए गाड़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सेकंड एसेसरी पे चलते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है स्किड प्लेट फ्रंट और रियर, तो रियर में स्किड प्लेट आप ये देखिए भाई, ये जो सिल्वर फिनिशिंग है ना, ये है रियर की स्किड प्लेट जो हमें एसेसरीज में देखने को मिल रही है। अब फ्रंट में देखते हैं कि फ्रंट की स्किड प्लेट कैसी है, तो ये है फ्रंट की स्किड प्लेट, तो जो ये सिल्वर कलर का एसेंट आ रहा है ना, ये यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट हमें यहाँ पे देखने को मैग्नाइट में कुछ ऐसी मिलेगी। अब तीसरी एसेसरी पे चलते हैं, ये है बम्पर प्रोटेक्टर, भाई बम्पर प्रोटेक्टर ना ये होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है गाड़ी में बम्पर प्रोटेक्टर, तो रबड़ का पार्ट है क्रोम एसेंट्स के साथ में, बम्पर प्रोटेक्टर हमें देखने को मिल रहा है गाड़ी में, ये देखिए। अब नेक्स्ट एसेसरी पे चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट एसेसरी आ रही है फ्रंट के क्रोम गार्निश, भाई फ्रंट क्रोम गार्निश कुछ ऐसा, ये है फ्रंट का क्रोम गार्निश, भाई कहाँ कहाँ पे है, ग्रिल आप देख रहे हैं,
ये ग्रिल फ्रंट क्रोम गार्निश के साथ आ रही है। ये देखिए भाई कितना बेहतरीन लुक है। लोअर पार्ट देखिए बम्पर का, ये क्रोम गार्निश है, ये पार्ट हुआ, प्लस ये देखिए भाई ये यहाँ पे क्रोम गार्निश है। तो कुछ ऐसा हमें फ्रंट में क्रोम गार्निश का सेटअप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एसेसरी देखते हैं, टेल डोर गार्निश। टेल डोर गार्निश क्या है भाई, नज़र डालते हैं। तो टेल डोर गार्निश ये है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ द टेल डोर गार्निश भाई। नो डाउट यार, ये जो एसेसरीज है ना, कंपनी फिटेड एसेसरीज है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है, ये जितनी भी एसेसरी लगी है ना, सब ARAI सर्टिफाइड हैं। प्लस इन एसेसरीज़ को लगाने से आपकी गाड़ी का पावर, टॉर्क, माइलेज किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अच्छी बात है, ये स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आ रही है। इन एसेसरीज़ की भी वारंटी है, कल को कुछ भी हुआ ना, कुछ नहीं करना, सीधा आओ और डीलर से बात करो, राइट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है टिशू बॉक्स, फिर की चेन आ रहा है कार का की चेन। ये देखिए भाई, ये निसान की बेजिंग के साथ में ये हमें कुछ ऐसा की चेन देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा की चेन है यार, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। तो निसान का हमें की चेन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है डोर एज गार्ड। डोर एज गार्ड देख लेते हैं भाई, ये डोर एज गार्ड है, ये देखिए भाई, राइट, डोर एज गार्ड हमें देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा। तो डोर एज गार्ड से ना फ़ायदा क्या है, आप कहीं टाइट पार्किंग स्पॉट्स में हैं तो सामने भी गाड़ी खड़ी है, दरवाज़ा खोला तो ना कहीं ये पेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखिए दरवाजे के बीच में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, तो ये फ़ायदा है डोर एज गार्ड से। तो नो डाउट बहुत अच्छी नेसेसिटी चीज़ है ये। नेक्स्ट आ रहा है मड फ्लैप। तो मड फ्लैप पे नज़र मारें तो कुछ ऐसा मड फ्लैप है कार में, फ्रंट के मड फ्लैप में आप देखिए, ये कुछ फ्रंट का मड फ्लैप है, ये रियर में हमें मड फ्लैप देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ ब्लैक है लेकिन स्टिल ये मड फ्लैप है कार में। नेक्स्ट जेल परफ्यूम देखने को मिलेगा बिल्कुल। अब 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो विथ 4 स्पीकर एंड रिवर्स कैमरा। भाई 4 स्पीकर आ रहे हैं, रिवर्स कैमरा आ रहा है, 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, 27,000 रुपये की कॉस्ट में। तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है ना, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ है, रिवर्स कैमरा भी आ रहा है, साथ ही साथ एक बार म्यूजिक का ना इंटरफेस आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ म्यूजिक सिस्टम है भाई निसान का, इनका अपना कंपनी फिटेड है 9 इंचेस का। प्लस ये यहाँ पे इन्होंने सेंसर लगा रखा है रिवर्स पार्किंग का, ये ब्लूटूथ का माइक लगा रखा है। इसी के साथ इसी जो इंफोटेनमेंट है यहाँ पे हमें USB के लिए कनेक्टर देखने को मिल रहा है जो इन्होंने यहाँ पे लगाया है। सो ये एक एंड्रॉयड सिस्टम है जो फैक्ट्री फिटेड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। तो सही है यार, एसेसरी का पार्ट है, गूगल मैप इनबिल्ट है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ है, और क्या चाहिए, सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। तो भाई ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो निसान मैगनाइट के ऊपर। ये वेरिएंट है XC वेरिएंट, तो निसान मैगनाइट XC वेरिएंट बेस वेरिएंट है, जो कि नो डाउट यार अल्टीमेट ये वैल्यू एड ऑन कर रहा है। साथ ही साथ अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर अभी हूँ फिलहाल न्यू निसान पटपड़गंज के अंदर, निसान का ऑथराइज डीलर। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है निसान मैगनाइट XC, तो विद एसेसरीज ये गाड़ी खड़ी हुई है।